हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि रेहाना बॉस ये बता रही थी कि एक लड़की से किस तरीके से इसने पैसे लूटे हैं, और अभी मैं उसी वीडियो का जो है प्रूफ आप लोगों को देने वाली हूँ कि बाकायदा उस लड़की की रिकॉर्डिंग, उस लड़की की चैट जो है मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाने वाली हूँ। और इस लड़की को जो मतलब लूटा है ना, वो जो आईडी है क्रिप्टो सुजैन करके है, ठीक है, @crypto_सुजैन करके है। और ये आईडी का प्रमोशन जो है वो इसने किया था, सायरा सत्तानी ने इसका प्रमोशन किया था कि अगर आप लोगों को भी पैसा कमाना है या अपना पैसा डबल करना है शेयर मार्केट में तो आप इस आईडी को फॉलो करो और जैसा ये लोग बोलते हैं वैसा करो, ठीक है। तो उस लड़की ने बेचारी ने इसकी सायरा सत्तानी की बातों में आकर जो है उस पर पैसे लगा दिए। तो उसके साथ आगे क्या फ्रॉड हुआ है ये देखो आप लोग। ये देखो खाला, इसमें पूरा रिकॉर्डिंग मैंने करके भेजी हूँ, उसने मेरे को कितना फंसाई। ये देखो, हम लोग रात भर सोए नहीं और मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है, और हम लोग का इतना फ्रॉड करी, पैसे के ऊपर पैसा मांग रही है, हम लोग क्या करेंगे बताओ। मैंने भी दूसरे से उधार लेके दी हूँ, ऐसा करते हैं लोग, गरीब लोगों को ऐसा फंसाते हैं लोग। अल्लाह पाक मुहर्रम के महीने में इतना ये करते, किसी के ऊपर भरोसा करने का ही नहीं आजकल, ऐसा ज़माना है। लेकिन हम लोग ने तो उसके ऊपर भरोसा करे तो ये पेज को हमने पैसा दिए ना। ये लड़की भी इतना हम लोग को फ्रॉड कर रही है, पैसे के ऊपर पैसा मांग रही है, जवाब नहीं दे रही है अभी कुछ, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ अभी। हाँ खाला, बहुत आपकी मेहरबानी होगी, मेरा इतना प्लीज़ करके दो, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे दी उसको, बहुत तकलीफ से, प्लीज़ खाला इतना करो मेरे लिए प्लीज़। जी, तो देखा आप सबने कि किस तरीके से जो है बेचारी इस लड़की को यहाँ पे पागल बनाया गया, इसके साथ फ्रॉड हुआ है, पैसे पे पैसे मांगे जा रहे हैं। देख लो, इसने बाकायदा स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं जितने भी पैसे इसने पे किए हैं। अब इस चीज़ के लिए हम किसको ज़िम्मेदार मानेंगे ये आप लोग खुद बताइए, क्योंकि ये जो मोहतरमा हैं जिसने ये आईडी शेयर की थी, ये इतने बड़े, तभी हम इसको कहते हैं कि अगर तू एक सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के बैठी है तो उस तरीके के काम भी तुझे करने चाहिए। अब देखो, इसने ये आईडी शेयर की, इसको देखकर जो है कितने हज़ारों लोग जो है उस आईडी पर जाकर पैसा लगाएंगे और किस तरीके से फ्रॉड किया जाएगा। अगर वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है तो ये क्या इस बात का पता सत्तानी को नहीं होगा? इस बात का पता ज़रूर होगा, और ये प्रमोशन करने के अच्छे खासे पैसे जो है वो वहाँ से उनसे ले रही होगी। तो इस पर ब्लेम किसको किया जाएगा, जिसने फ्रॉड किया है उसको, या फिर जिसने प्रमोशन की है, जिसने आईडी ये मेंशन की है और जिसके भरोसे लोग जा रहे हैं? ये इसके ही व्यूवर्स हैं जो इसके यहाँ से आईडीज देख के वहाँ गए हैं और उनके साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?